हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, जो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाइड एक्सेस कंट्रोल अलाइनमेंट रूट है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। 2015 में यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव जी ने इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था और 2018 में 95% लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हुआ और ग्राउंड लेवल पे काम शुरू हुआ था। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के चांदसराय गांव से शुरू होकर आजमगढ़ के थ्रू गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैदरिया गांव में जाके ख़त्म होगा। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट पहले इसी महीने यानी अगस्त तक रखा गया था, पर कोविड पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन 95% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर 2021 में इनोग्रेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 22,494 करोड़ रुपीस। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। वर्तमान में भारत का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और इसका लेंथ है 302.2 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से गाजीपुर से दिल्ली तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी थ्रू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, DND फ्लाईवे और गाजीपुर से दिल्ली तक 974 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 से 10 घंटे में कवर किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बाद में वाराणसी से लिंक किया जाएगा वाराणसी आजमगढ़ हाईवे के थ्रू। गोरखपुर से भी लिंक किया जाएगा थ्रू 91 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन वाइड रूट, जिसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।